एक बार फिर से इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मॉनसून जैसा कि आज उम्मीद और संभावना के मुताबिक आगे बढ़ा है और मॉनसून ने आज बिहार के कई इलाकों को कवर किया है। मॉनसून ने आज बिहार में प्रगति की है, उम्मीद भी थी, संभावनाएं भी लगाई गई थी और कुछ ऐसा ही सीन हमें नजर आया है। मौसम विभाग के द्वारा भी कहा गया था कि जल्द ही मॉनसून आगे बढ़ेगा और मॉनसून प्रगति करेगा, कुछ ऐसा ही हुआ, मॉनसून ने आज प्रगति की है। फिलहाल वर्तमान में सैटेलाइट इमेज की बात करेंगे और दोस्तों आप सभी को मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि किस तरह से 21 जून को मौसम रहेगा, यानी कि देश भर का मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं। और एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत। दोस्तों मॉनसून का प्रभाव बढ़ चुका है, मॉनसून की सक्रियता बढ़ चुकी है और अब आगामी समय में देश में मॉनसून उग्र होने वाला है। वर्तमान में सैटेलाइट इमेज की बात करते हैं तो इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी के एक बड़े इलाके पर बादल बन रहे हैं और इन्हीं बादलों के चलते आप देख सकते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। यानी कि हम देखें तो लगभग आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में, जिसमें अंबिकापुर और साथ साथ रायपुर, बिलासपुर, तमाम इलाकों पर इस समय बादल हैं, बारिश हो रही है। इसके अलावा उड़ीसा के भी तमाम इलाकों पर इस समय गर्जना के साथ, लाइटनिंग के साथ, थंडरस्टॉर्म और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, बालाघाट, उमरिया से लेकर भोपाल तक बादल पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उत्तरी क्षेत्रों पर भी आप देख सकते हैं कि बादलों का मूवमेंट चल रहा है, ग्वालियर, चंबल संभाग के इलाकों पर। साथ ही साथ मौसम में एक बड़ा बदलाव इस समय राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर आया है, उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में सुबह से ही मौसम बदल चुका है और मौसम विभाग का भी कहना था कि नमी की हवाएं बढ़ेगी, अरब सागर से नमी पहुंचेगी तो बारिश होती हुई नजर आएगी। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव भी काफी ज्यादा नजर आने वाला है, यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में तो बारिश होने की उम्मीदें हमें नजर आ रही है। इसके अलावा दक्षिण भारत पर लगातार बारिश का प्रभाव बढ़ा हुआ है। दक्षिण भारत पर आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी के बादल अब अरब सागर की ओर आ रहे हैं, ऐसे में उम्मीद यह है कि पूर्वी घाटों पर भारी बारिश होगी। इसके अलावा कल तक पश्चिमी घाटों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं कि किस तरह का मौसम रहेगा 21 जून को संपूर्ण भारत में, क्या बारिश होने की संभावना है, क्या मॉनसून आगे बढ़ेगा या नहीं, साथ ही साथ किस तरह का मॉनसून प्रदर्शन देश भर में 21 जून को रहेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लगातार मॉनसून के निराशाजनक प्रदर्शन की उम्मीद के साथ अब मॉनसून उग्र हुआ है। मॉनसून पिछले 4-5 दिनों से आगे नहीं बढ़ा था और मॉनसून की प्रतीक्षा जारी थी। मॉनसून निराश कर रहा था देश के उन राज्यों में जहां पर अभी इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। साथ ही साथ आज जब मॉनसून बिहार में आगे बढ़ा तो मॉनसून के बढ़ने के साथ साथ यहां पर भारी बारिश भी कई इलाकों में रिकॉर्ड की गई। उससे पहले बिहार पर भीषण गर्मी का प्रचंड प्रहार था तो अब ये प्रहार खत्म होगा। मॉनसून आज बिहार में बढ़ा है, कल मध्य प्रदेश में बढ़ेगा और जल्द ही राजस्थान को पार करता हुआ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की ओर रुक रहेगा। तो मॉनसून का जो प्रभाव है, प्रदर्शन है, वो जल्द ही आगे बढ़ेगा और काफी जबरदस्त प्रभाव रहेगा मॉनसून का। तो अब आप तैयार रहिए मॉनसूनी बारिश के लिए। फिलहाल 21 जून को किस तरह का मौसम रहेगा संपूर्ण भारत में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात उत्तर भारत के राज्यों से करते हैं जहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की हवाओं के चलते मौसम करवट लेगा। कल 21 जून को कहां पर बारिश होने की संभावना है इसकी बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि लद्दाख, गिलगित और तमाम जो उत्तरी इलाके हैं पहाड़ी राज्यों के, वहां पर बारिश होने की संभावना रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में इक्का-दुक्का इलाकों में बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के कुछ उत्तरी और पूर्वी इलाकों पर बारिश का प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। इसके अलावा बात करें पंजाब, हरियाणा या दिल्ली की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है, खासतौर पर पंजाब के दक्षिणी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी मौसम बदला था, सुबह के समय अचानक मौसम बदला और बादल आना शुरू हो गए और अब कल भी उम्मीद यह है कि बादल आएंगे, बारिश होती हुई आपको नजर आएगी, तो गर्मी से राहत की उम्मीदें यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो तमाम इलाकों पर आप देख सकते हैं बादल हमें नजर आएंगे। खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग प्रयागराज, वाराणसी, साथ ही साथ आसपास के इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। इधर कानपुर, लखनऊ में भी बारिश की उम्मीदें हमें नजर आ रही है। तो जब तक यहाँ पर निराशाजनक परिस्थितियां बनी हुई थी अब वो परिस्थितियां खत्म होगी और जल्द ही अब बारिश को लेकर उम्मीदें बढ़ेगी क्योंकि मॉनसून अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है। इसके अलावा बिहार की बात करते हैं या फिर पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो तमाम इलाकों पर झमाझम बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में आप देख सकते हैं कि व्यापक बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में भीषण बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम, मेघालय में भी बारिश का काफी ज्यादा प्रभाव हमें नजर आ सकता है। साथ ही साथ बाकी इलाकों में तो मानसून एक्टिव रहेगा ही। अब बात करते हैं बिहार और झारखंड की तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार के लगभग दरभंगा और साथ ही साथ आसपास के इलाकों पर बारिश होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। लगभग हम देखें तो पूर्वी क्षेत्रों में बारिश का प्रभाव ज्यादा रहेगा। इसके अलावा अभी फिलहाल पटना, गया को थोड़ा और इंतजार करना होगा, हल्की से मध्यम बारिश कल हो सकती है, ज्यादा उम्मीदें नहीं है। लेकिन हाँ, दरभंगा की मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रभाव ज्यादा रहेगा पूर्वी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं झारखंड की तो झारखंड की राजधानी रांची में बारिश की उम्मीदें हमें नजर आ रही है। रांची से लेकर दक्षिण रांची के दक्षिणी क्षेत्र जो है वहां पर बारिश होने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि पूरे ही झारखंड पर बादल आपको नजर आएंगे।
अब बात करते हैं राजस्थान के मौसम से, जहां पर काफी बड़ा इंतजार करना पड़ रहा था लोगों को, किसान साथियों को, तो अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। दोस्तों राजस्थान के पूर्वी इलाकों में कल मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। खासतौर पर भीलवाड़ा या कोटा की बात की जाए या फिर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में। इसके अलावा जयपुर, अलवर, भरतपुर और तमाम जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश भी होने की संभावना में नजर आ रही है। तो मौसम पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में बदल जाएगा। हालांकि अभी पश्चिम राजस्थान की बात की जाए तो जैसलमेर, जोधपुर और आसपास के इलाकों में अभी फिलहाल बारिश को लेकर इंतजार करना पड़ेगा। अभी मौसम यहाँ पर ज्यादा नहीं बदलेगा, मौसम साफ रहेगा, गर्मी का प्रहार रहेगा, ऐसे में थोड़ा और इंतजार कीजिए। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जो उत्तरी इलाके हैं जिसमें चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं कल हमें कुछ इलाकों पर नजर आ रही है। यानी कि अगर हम देखें तो मौसम पूरे ही क्षेत्र में बदल जाएगा क्योंकि बादल आना शुरू हो जाएंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहेगा। अब बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात के अधिकांश इलाकों पर कल लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है, जिसमें पूर्वी इलाकों में सूरत, वलसाड, नवसारी और अगर हम बात करें अहमदाबाद तक के इलाकों की तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, बादल बन सकते हैं। हालांकि उम्मीदें पश्चिमी इलाकों पर बहुत कम नजर आए, पश्चिमी गुजरात में फिलहाल मौसम साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां पर मानसून का उग्र प्रदर्शन, उग्र प्रभाव आपको नजर आएगा। क्या उम्मीदें हैं बारिश को लेकर इसकी बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में छत्तीसगढ़ से लगे हुए क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। लगभग रीवा, उमरिया, कटनी, साथ ही साथ जबलपुर, यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली। हालांकि ओलावृष्टि के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि इक्का दुक्का इलाकों में हो सकता है कि गर्जना के साथ ओलावृष्टि भी आपको रिकॉर्ड की जाए। बारिश, भारी बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है और हो सकता है कि दक्षिणी इलाकों में यानी कि खरगोन, खंडवा से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिमी इलाके हैं, वहां पर मानसून की एंट्री भी हो सकती है। तो अभी देखने वाली बातें होती है कि मानसून आगे बढ़ता है या नहीं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन से लेकर नीमच, मंदसौर, रतलाम, तमाम इलाकों पर बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। हालांकि हल्की से मध्यम बारिश ग्वालियर, चंबल संभाग के क्षेत्रों पर हो सकती है। इसके अलावा उड़ीसा के अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के विदर्भ में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना है, यानी कि अकोला, नागपुर पर बारिश का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा मुंबई की बात की जाए तो मुंबई, नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, तमाम इलाकों पर बारिश होने की संभावना है, यानी कि कोस्टल एरियाज में बारिश का प्रभाव रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश होगी लेकिन बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात की जाए तो तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की उम्मीदें हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। तो ये था देश भर का मौसम पूर्वानुमान। 21 जून को आपने जाना कि किस तरह से बारिश की संभावनाएं हैं, मौसम बदलेगा, बंगाल की खाड़ी सक्रिय हो रही है और आगामी समय में बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा जो मध्य भारत की ओर आएगा और ये सिस्टम देश के उन राज्यों पर काफी जबरदस्त बारिश देगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि बाढ़ वाली बारिश देगा जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। तो मॉनसून इस साल काफी बेहतर रहेगा, निराश ना हो, इस साल मॉनसून की बेहतर बारिश आपके यहाँ पर होने वाली है, तो किसान साथी अब तैयार रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लगातार चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।